हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबोस किचन स्टूडियो। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी सी लंच रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि है ब्राउन राइस विद ब्लैक चना करी। सबसे पहले तो मैं ब्राउन राइस बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने पैन में थोड़ा सा देसी घी ले लिया है और ये दावत के ब्राउन राइस है जो मैं आज कुक करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ईजी रहते हैं कुक करने के लिए, तो मैं यही दावत के ब्राउन राइस ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, नियर अबाउट एक चम्मच। वाइट राइस के कंपैरेटिवली मैं ब्राउन राइस लेना प्रेफर करती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज, जिसको मैंने लेंथ वाइज चॉप करके ऐड कर दिया है जीरा के साथ, क्योंकि ब्राउन राइस जो रहते हैं वो होल ग्रेन राइस होते हैं, फुल ऑफ फाइबर होते हैं और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाइट राइस। और प्याज मेरे हल्के ब्राउन हो गए हैं, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी बॉइल्ड ब्रोकली विद सोया चंक्स। मैं तो अपनी डाइट में वेजिटेबल्स ऐड करने के बहाने ढूंढती रहती हूँ, जैसे कि अभी विंटर सीजन चल रहा है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ब्रोकली रहती है। ब्रोकली एक सुपर फूड है, प्रोटीन रिच है, ग्रीन वेजिटेबल है, लोडेड विद फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो क्यों ना मैं इसको खाने के बहाने ढूँढूँ। और सोया चंक्स वेजिटेरियंस के लिए बेस्ट ऑप्शन है प्रोटीन का। जैसे ही वेजिटेबल्स थोड़ी पक जाएं, तो आप इसमें मसाले डाल दें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है। और जो ब्राउन राइस रहते हैं ना, वो कुक होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो मैं तो मेक श्योर कर लेती हूँ कि मैं इसको बनाने से आधा घंटा पहले भिगो देती हूँ, जिससे कि इसका जो कुकिंग प्रोसेस रहता है वो फास्ट हो जाता है। 15 से 20 मिनट में ये डन हो जाते हैं। मैंने भी अभी कुछ टाइम पहले ही ब्राउन राइस खाने का अपना टेस्ट डेवलप किया है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं ब्राउन राइस खाती हूँ ना, तो ये वाइट राइस के कंपैरेटिवली बहुत ही कम खाए जाते हैं। और अब मैं बनाने जा रही हूँ ब्लैक चना करी, जिसके लिए मैंने कुकर में आधी कड़छी देसी घी की डाल दी है। और ये जो देसी घी है ना, ये मैंने घर पर बनाया हुआ है, और इसके साथ ही मैंने एक चम्मच जीरा डाल दिया है। और यहाँ पे आपको मैं एक सुजेशन देना चाहूँगी कि आप ना एक बार मेरे कहने पर ब्लैक चने की सब्जी को देसी घी में बनाकर देखना। जीरा के साथ मैंने थोड़ी सी हींग भी ऐड की है। और यहाँ पे ये मैंने मीडियम साइज़ के दो प्याज लिए थे और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, जिसको मैंने मिक्सर में ब्लेंड करके ना इसका ऐसे पेस्ट बना लिया था। और इस पेस्ट को हमने अच्छे से भूनना है घी में। और अगर आपको लगे ना कि मसाला नीचे लग रहा है, कि बर्न हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको आप भूनते जाइए। और यहाँ पर मैं नमक ऐड कर दूँगी, ताकि मेरा कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाए। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर दी है, और ये थोड़ी सी हल्दी। हींग को अपने खाने में ऐड करने से डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मैं तो अपनी हर सब्जी में प्रेफर करती हूँ कि मैं हींग का तड़का लगाऊं। और यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 4 हरी मिर्च ली हैं, और इसके साथ ही थोड़ा सा जिंजर लिया है, अदरक, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है, और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। मसाला मेरा अच्छे से पक गया है, तो मैं इसमें अब ऐड कर दूंगी धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। और मैं आपको एक सीक्रेट बता देती हूँ कि कोई भी करी की जो रेसिपी आप बना रहे हो ना, उसके लिए जो मसाला आप कुक कर रहे हो, तो उसको आप अच्छे से भूनिए। और यहाँ पे ये मैंने ना ब्लैक चने लिए हैं, जिनको मैंने बॉयल कर लिया था पहले ही, और इसको मैंने ओवरनाइट सोक किया था पहले, फिर बॉयल किया था, और ये मैंने यहाँ पे मसाले के साथ ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे पानी आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डालिए कि आपको ग्रेवी थिक चाहिए या फिर पतली। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट कर दें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग।